नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट बतालोक में। मैं रवि तिवारी करंट अफेयर्स की रटलो श्रृंखला के अगले अंक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। आप जानते हैं कि सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक व्याख्यात्मक श्रृंखला रटलो का हम लोग आयोजन करते हैं। चूंकि इस समय कोई भारी भरकम करंट घटित नहीं हो रहा है, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा चीजें जो पिछले दो महीनों में आपकी घटित हुई है उनको पूरी तरह से समाहित और कवर करने की कोशिश इस रटलो श्रृंखला में की गई है, जो आपके लिए उपयोगी है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और जानकारी दे दूं कि जब आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर करंट अफेयर्स से संबंधित हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम के लिंक है। आप लोगों को संस्थान से संबंधित प्रतिदिन करंट अफेयर्स दिया जाता है, वो करंट अफेयर्स नीचे वेबसाइट के लिंक पर है, आप प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है उससे संस्थान से संबंधित सभी जानकारियां और जो भी ये पीडीएफ होते हैं करंट के, वो आपको वहां से प्राप्त हो जाएंगे। आइए हम इस रटलो श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, आने वाले समय में बीईओ पीसीएस सहित यूपीएसआई लेख पर बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन होना है। आप लोग इस नकारात्मक माहौल से निकलते हुए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते चले और अपने आप को बिल्कुल संयमित रखें, बिल्कुल भी उदास ना हो। हताशा का समय है लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें कि हम सकारात्मक रह सकते हैं। इसी क्रम में सीटेट का बैच निःशुल्क संस्थान द्वारा आयोजित किया गया है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। सीटेट का बैच निःशुल्क है और इस समय, इस कठिन समय में संस्थान ने अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए आलोक सर के कुशल निर्देशन में सीटेट के बैच को फ्री किया हुआ है। आप सभी लोग निःशुल्क, उसमें एक रुपए भी फीस नहीं है। और एक और बैच संस्थान के द्वारा लाया गया है बीओ का, उसमें बीओ के बैच में 45 दिन का एक टारगेट क्रैश कोर्स लिया गया है, जिसमें 250 लगभग आपकी क्लासेज हैं, 200 आपके प्रैक्टिस सेट है, पीडीएफ नोट्स हैं, डाउट सेशंस हैं, लाइव मैराथन क्लासेज हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन है और पूरा करंट आपको एक बार फिर से और यूपी स्पेशल पढ़ाया जाएगा। तो एक जबरदस्त क्रैश कोर्स आपकी निरंतरता के लिए लाया गया है। बीईओ के जो 16 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, इस क्रैश कोर्स से जुड़ने के लिए ये संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है। इस संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर केवल आप एंट्री बीईओ लिखकर भेजिए और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। जिन छात्रों ने प्रवेश ले लिया है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, कल शाम से उनको जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। प्रतिदिन 3 कक्षाएं आप लोगों को मिल रही हैं। वैसे रीजनिंग का समय है, पिछले 7-8 दिन से लगातार मैं आप लोगों को रीजनिंग इस समय पढ़ा रहा था। कल 9 बजे मैं रीजनिंग के ही साथ मिलूंगा, क्योंकि बहुत दिन से करंट का सेशन नहीं हुआ था और आप ही लोग कमेंट में लिख रहे थे, तो आप लोगों के लिए करंट के सेशन की एक जबरदस्त रटलो के साथ मैं उपस्थित हूं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है वीओ के लिए। इसके बाद आइए शुरुआत करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के उस सेशन की। पिछले दो महीनों में करंट अफेयर्स में कोरोना काल में जो भी प्रगति हुई है उसको हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से व्याख्यात्मक रूप से देखते हैं, ताकि पूरा करंट अफेयर्स दो महीने का आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और स्पष्ट हो सके। इसी क्रम में पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने है, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस स्थान को उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। देखिए, दो राजधानियों का प्रावधान पहले भी स्वतंत्रता के बाद कई राज्यों में फॉलो किया है, हालांकि अब नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में दो राजधानियों का प्रावधान रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी दो राजधानियों का प्रावधान रहा है, तेलंगाना में तो 3 राजधानियां तक प्रस्तावित रही है। उसी क्रम में अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित पूछा गया है, तो अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इसको मंजूरी दी। इसका सही उत्तर होगा गैरसैंण। गैरसैंण स्थान को उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है और अब यह उत्तराखंड दो राजधानियों वाला राज्य हो गया है, दो राजधानियों वाला राज्य उत्तराखंड हो गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पर 1 सेंटीमीटर की हरी पट्टी को अनिवार्य कर दिया। वैसे भी हरा रंग जब भी होता है हम सभी लोग जानते हैं हरा रंग पर्यावरण सुरक्षा को प्रदर्शित करता है या पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि BS6 मानक के जो वाहन है उनको वाहनों पर BS6 मानक लागू किया गया है और केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा
एक सेंटीमीटर चौड़ी, चौड़ाई कितनी हो एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी को BS6 मानक वाहनों पर अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी BS6 मानक जो वाहन होंगे उनको एक सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी जो हरे रंग की होगी वो उस वाहन पर बनानी होगी, प्रदर्शित करनी होगी। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा, ए होगा। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महिला एशिया कप 2022 फुटबॉल की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई, भारत, भारत को यह मेजबानी सौंपी गई। इससे पहले 1979 में भारत ये मेजबानी कर चुका है, 1979 के बाद यह पहला मौका है जब भारत को इसकी मेजबानी सौंपी गई है ना। 2022 में खेल आयोजित होने हैं, वैसे भी बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं हो पा रही है, तो यहां पर 2022 की ये बात है, तो 2022 तक निश्चित रूप से हम इस खतरे से दूर हो जाएंगे और 2022 में भारत महिला एशियाई कप 2022 फुटबॉल की मेजबानी करेगा जिसको उसने हाल ही में प्राप्त किया है। 1979 के बाद ये पहला मौका होगा और इसमें 12 टीमें भाग लेंगी। आइए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ना, बीट कोरोना, एंड कोरोना, कोबा पंजाब, कोरोना पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा कोबा पंजाब है ना। जो भी जनता है, जन सामान्य है, उनको जागरूक करने के लिए है ना, उनको यात्रा आने वाले समय में कैसे करनी है, इस यात्रा की व्यवस्था को जागरूक करने के लिए उनको यात्रा में किन किन चीजों की सावधानी रखनी है यह बताता है। लक्षणों की पहचान कैसे हो सकती है यही बताता है। और अगर आप संक्रमित हैं तो आपको त्वरित उपाय कौन से करने चाहिए यही बताता है। तो एक महत्वपूर्ण ऐप है कोबा पंजाब, ये पंजाब सरकार द्वारा जो है जारी किया गया है, जो जागरूकता से संबंधित है, यात्रा की सावधानियों से संबंधित है, लक्षणों का पता लगाने से संबंधित है, और अगर आप में वो लक्षण दिख रहे हैं तो त्वरित आपको कौन सा उपाय करना चाहिए इससे संबंधित है। सभी राज्य सरकारें अलग अलग ऐप और पोर्टल के माध्यम से इसके लिए प्रयास कर रही है। मैं इससे पहले भी आपको बहुत सारे ऐप और पोर्टल डिस्कस कर चुका हूं, उसी में एक नया ऐप और पोर्टल आप और जोड़ लीजिए, कोबा पंजाब। आइए, कोविड से संबंधित है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। पांचवा, हाल ही में जारी सिप्री की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है। पहले तो आप लोग ये बताइए कि क्या सिप्री के बारे में आप लोग जानते हैं। सिप्री की स्थापना 1966 में की गई थी, 1966 में सिप्री की स्थापना की गई थी। सिप्री है क्या ये समझ लीजिए, इसका जो पूरा नाम है वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। युद्ध और युद्ध से संबंधित जो सामग्रियां होती हैं, जो हथियार होते हैं, उन पर यह संस्थान स्वतंत्र रूप से शोध करता है और जिस देश को जिस प्रकार की जानकारी चाहिए होती है युद्ध के बारे में, युद्ध में हथियारों के प्रयोग के बारे में जो प्राचीन समय पर हो गए हैं, उन देशों को यह जानकारी प्रदान करता है। इसके लिए अपना इनका एक सिस्टम है ना। तो सिप्री स्वतंत्र संस्थान है शोध का, जो हथियारों के माध्यम से हथियारों के बारे में शोध करता है। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। नाम एक बार और सुन लीजिए क्योंकि इसका फुल फॉर्म आता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। तो युद्ध सामग्री शोध कार्यों की एक स्वतंत्र संस्था है। 2013 से लेकर 2018 तक के आकलन के हिसाब से देखें तो भारत का 23वां स्थान है। हाल ही में यह सूची जारी की गई है, लेकिन आयात में भारत का प्रथम स्थान है। आयात में 24% की वृद्धि के साथ अब भारत प्रथम स्थान पर है, लेकिन यहां पर निर्यात की बात की गई थी इसलिए आप ध्यान रखेंगे निर्यात का स्थान कौन सा है, 23वां है, और आयात का स्थान कौन सा है, प्रथम है। यह भी सिप्री की ही रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है। छठवां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, भारत की स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए इंफोसिस ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता किया। हम सभी लोग जानते हैं कि जो इंफोसिस है वो प्रमुख भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसका जो सही उत्तर है वो है क्वालकॉम। ये जो कंपनी है ये अमेरिका की प्रमुख चिप निर्माता कंपनी है।
चिप बनाती है ये कंपनी। दोनों ने आपस में समझौता किया, क्यों समझौता किया, भारत की स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए। इन स्मार्ट सेवाओं में प्रमुख है स्मार्ट स्टेडियम्स का निर्माण करना, स्टेडियम जो खेलकूद के लिए और अन्य आयोजनों के लिए प्रमुख होते हैं, स्मार्ट मार्केट का निर्माण करना और स्मार्ट इवेंट प्लेसेस का निर्माण करना जहां पर बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं। तो ये सुरक्षित और स्मार्ट इवेंट प्लेसेज, स्मार्ट मार्केट और स्मार्ट स्टेडियम का निर्माण करेंगी दोनों कंपनियां आपस में मिलकर, और उसमें जो भी तकनीकी सुविधाएं देनी है दोनों कंपनियां आपस में मिलेंगी, मतलब उसमें भी ये सहायता करेंगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है आपका, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन एक मुख्य आयोजन हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इस बार इस मुख्य आयोजन को लेह में आयोजित होना था, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को शिरकत करना था और इनके साथ ही साथ लगभग 20,000 लोगों के इकट्ठा होने का कार्यक्रम था। तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कहां पर प्रस्तावित था, लेह पर था। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 के बढ़ते हुए खतरे के कारण ये स्वयं प्रधानमंत्री जी स्वयं शामिल ना होकर डिजिटल रूप से इस समारोह में शामिल हुए और लेह से यह समारोह डिजिटल रूप से मनाया गया। 2014 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार के खतरे को देखते हुए इस बार के योग दिवस की मुख्य थीम ही यही थी। क्या मुख्य थीम थी? कि घर पर योग और परिवार के साथ योग। क्या थी मुख्य थीम? घर पर योग, परिवार के साथ योग। तो अगर आपसे यह भी पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य थीम क्या थी, घर पर योग परिवार के साथ योग है ना। चलिए आठवां प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। यहां पर आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बने रह सकते हैं, है ना। चलिए इसका सही उत्तर होगा रूस। आप जानते हैं रूस के राष्ट्रपति का 2024 में चौथा जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। जो निचला सदन है उस निचले सदन को हम लोग कहते हैं यहां पर ड्यूमा, है ना। निचले सदन को कहते हैं ड्यूमा, और ड्यूमा में प्रस्ताव पारित हुआ है कि यह 2036 तक अपने पद में रह सकते हैं, 2036 तक अपने पद पर रह सकते हैं, जिनका चौथा कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है पुतिन का। क्लियर है? आइए तो ड्यूमा याद रखिएगा। ड्यूमा क्या है? निचला सदन है, और निचले सदन से प्रस्ताव पारित हो चुका है। आइए अगला प्रश्न है, नौवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ राज्य में जल प्रबंधन और कृषि व्यवस्था के लिए $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य ने दो सुविधाओं के लिए $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये दो सुविधाएं कौन कौन सी है? एक तो है जल प्रबंधन, फिर मैं इसका उद्देश्य भी बता रहा हूं, जल प्रबंधन, और दूसरा है आपका कृषि उत्पादकता। जल प्रबंधन और कृषि उत्पादकता, ये दो मुख्य बिंदु हमारे यहां के हैं। आप समझ लीजिए, हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध एक पहाड़ी राज्य है, बहुत सुंदर है, कभी आप घूमने जाइएगा। और इस समझौते से राज्य में 4 लाख से अधिक छोटे किसानों, महिलाओं और देहाती समुदायों को लाभ होगा। इस परियोजना से वनों, चारागाहों और घास के मैदानों के जल स्रोतों में सुधार होगा, जिससे पानी की सुविधा सुनिश्चित होगी, है ना। पानी की सुविधा सुनिश्चित होगी, लगभग 4 लाख किसान इस राज्य के से लाभान्वित होंगे। आइए अगला प्रश्न है आपका, दसवां प्रश्न, फेसबुक ने निम्नलिखित में से किस नाम से भारत में CSR पहल की शुरुआत की। तो पहले तो आप ये बताइए कि ये CSR पहल है क्या? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस CSR को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रत्येक कॉर्पोरेट समुदाय के अपने कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं, कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, इसको हम कहते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपका प्रश्न है, फेसबुक ने निम्नलिखित में से किस नाम से, प्रगति नाम से, किस नाम से, प्रगति नाम से भारत में
सीएसआर पहल की शुरुआत की। तो ये शुरुआत इन्होंने किस नाम से की? प्रगति नाम से। क्लियर। इसका पहला उद्देश्य जो है वो क्या है? भारत में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा, है ना, भारत में महिला उद्यमशीलता को बढ़ाना। प्रमुख उद्देश्य प्रगति का है महिला उद्यमशीलता को बढ़ाना, महिला उद्यमशीलता को बढ़ाना। ध्यान रखिएगा इस सब विषय, है ना, मतलब महिला उद्यमशीलता को बढ़ाना। आइए ग्यारहवां प्रश्न है आपका। हाल में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाकघर में खोला जाता है एनएससी, मध्यम वर्गीय बचत के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। प्रत्येक डाकघर में जो भी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, छोटे छोटी जगह से जुड़े हैं, सब एनएससी बॉन्ड्स के बारे में जानते हैं, है ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी की दर को 7.9% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो यह दर 5.8% बेटा कर दी गई है ना। लगभग लगभग सभी ऐसे मद जिन पर ब्याज दिया जाता था, इस समय देखते हुए थोड़ा सा आर्थिक विषमता को देखते हुए सारी ब्याज दरों को कम किया गया है, एनएससी भी इससे अछूता नहीं है। तो इसकी दर को कितना किया गया है? 5.8% किया गया है। इसको आपको ध्यान दीजिएगा, आम आदमी से जुड़ा हुआ प्रश्न है इसलिए आपसे आ सकता है। देखिए एनएससी जो है एक निश्चित आय निवेश योजना है, किसी भी डाकघर में मतलब शुरू किया जा सकता है। यह ग्राहकों को मुख्य रूप से मध्यम आय वाले निवेशकों के लिए आयकर में बचत के उद्देश्य से निवेश करने के लिए बचत बॉन्ड है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद लगभग 1950 की अगर हम बात करें तो 1950 के दशक में भारत सरकार द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए धन एकत्रित करने के लिए इस व्यवस्था को शुरू किया गया था, है ना। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता थी, हम लोग बहुत कमजोर हो गए थे आर्थिक रूप से और पाकिस्तान भी हमसे अलग हो गया था। कुल 110 करोड़ में से एक बड़ा हिस्सा 54 करोड़ का वहां पर भी चला गया। तो सरकार ने क्या किया, फिर भारत राष्ट्र निर्माण के लिए धन एकत्रित करने के लिए व्यवस्था की शुरू की और अब धीरे धीरे व्यवस्था बढ़कर एक नए रूप में हमारे समक्ष विद्यमान है। तो इसका सही उत्तर होगा 5.8%। क्लियर। बारहवां प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के लिए हकदार होंगे, है ना। कितने साल रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के लिए के हकदार होंगे? डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? मतलब वहां पर निवास प्रमाण पत्र जो आपका होता है, डोमिसाइल आपका वहां होना चाहिए। कितने साल के बाद? 15 साल के बाद, है ना। 15 साल इसका सही उत्तर होगा। आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से संबंधित सभी नियमों में एक हलचल चल रही है और वहां पर चीजें तेजी से परिवर्तित हो रही हैं, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा बताइए क्या? 15 साल। ठीक है। या जिन बच्चों ने 7 वर्ष तक प्रदेश की स्कूलों में पढ़ाई की है और 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी है, वो भी डोमिसाइल के मतलब क्या होंगे? हकदार होंगे। बच्चों की अगर हम बात करें तो या 7 वर्ष तक आपने राज्य में पढ़ाई की है और आपने 10वीं और 12वीं की परीक्षा वहां से उत्तीर्ण की है, तो ऐसे बच्चे भी डोमिसाइल के हकदार होंगे, है ना, निवास के वहां पे हकदार होंगे। 13वां, केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की? मनरेगा एकमात्र ऐसा साधन है या ऐसी योजना थी स्वतंत्रता के बाद जिसने आम आदमी को सीधे प्रभावित किया, आम आदमी को आर्थिक रूप से मजबूत किया, है ना। इस समय में जहां पर सभी जगह से ब्याज कम किया जा रहा है, वहां पर मनरेगा की मजदूरी को बढ़ाया जा रहा है और इसमें एक निश्चित क्या किया गया है? वृद्धि की गई है। तो कोविड वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूर में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की गई? तो अभी हाल ही में हम सभी लोग जानते हैं कि 20 रुपए की वृद्धि 1 अप्रैल 2020 से यहां पर की गई है। संशोधित रूप में 1 अप्रैल 2020 से जो वृद्धि की गई है वो कितने रुपए की गई है? 20 रुपए की वृद्धि की गई है। आइए 14वां, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर आप सभी लोगों को करना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है ना। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा 7 अप्रैल। और इस बार के वर्ल्ड हेल्थ डे की जो थीम थी वो थी अपने स्वास्थ्य कर्मियों का समर्थन करें, सपोर्ट करें। क्योंकि आपने देखा पिछले समय में जब कोविड के मामले आने शुरू हुए तो वहां पर बहुत सारी घटनाएं ऐसी थी जिन्होंने कोरोना वायरस को नुकसान पहुंचाया या जो लोग हमारे लिए फील्ड पर काम कर रहे थे उनको क्या किया? नुकसान पहुंचाया। तो इस बार के वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम ही थी कि स्वास्थ्य कर्मियों का समर्थन करें, स्वास्थ्य कर्मियों को सपोर्ट करें, यही वहां की थीम थी। और कठिन समय से
सारे कोरोना वॉरियर्स को ग्रैंड सल्यूट हम लोग प्रेषित करते हैं। बहुत कठिन समय से कोरोना वॉरियर्स ने हम लोगों को निकाला है और अभी भी चुनौती बहुत बड़ी है, लगातार वो वहां पर ऐसी तरह प्रकार क्या कर रहे हैं, डटे हैं, काम कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से नर्सों को सपोर्ट करने की बात यहां पर की गई थी वर्ल्ड हेल्थ डे में। सही उत्तर क्या होगा बेटा? 7 अप्रैल। देखिए, पिछले 2 महीनों के अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो कोई ऐसी भारी भरकम घटना यहां पर घटित नहीं हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि ना तो कोई बड़ा आयोजन हुआ है, ना कोई समारोह हुआ है, ना कोई खेल आयोजन हुआ है, ना कोई संधि हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय में यहीं से प्रश्न आप लोगों के बनेंगे, है ना। तो इसको आप लोग बिल्कुल क्या करिएगा, क्लियर रखिएगा। तो क्या है, 7 अप्रैल उत्तर आपका सही हो जाएगा। 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया, है ना, पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया। तो देखिए, पहले तो एक चीज यह समझ लीजिए यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर इसका सही उत्तर होगा आईआईटी रुड़की। इससे पहले हम लोग बहुत सारी शब्दावलियों से परिचित नहीं थे, है ना, होम क्वारंटीन से हम लोग परिचित नहीं थे, या बहुत हो सकता है कम लोग परिचित हों। सैनिटाइजर होता था, बहुत कम लोग जानते थे, सैनिटाइजर से हम लोग परिचित नहीं थे। मास्क से हम लोग परिचित थे लेकिन हमारे दैनिक जीवन में वो मास्क शामिल नहीं था, है ना। आइसोलेशन से हम लोग परिचित नहीं थे, है ना। वेंटिलेटर से हम लोग परिचित थे लेकिन विषम परिस्थितियों में वेंटिलेटर्स का यूज किया जाता था। कोविड-19 ने बहुत सारी ऐसी शब्दावलियां थी जिनके समूह को हम लोगों को क्या किया, जागरूक किया, हम लोगों को बताया और आने वाले समय की चुनौतियों से भी हमको बताया कि अगर इसकी शुरुआत हो चुकी है तो आने वाले समय में भी हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। हम स्वच्छता की ओर अग्रसर हुए हैं, है ना, हम अनावश्यक किसी के घर जाने से रुके हुए हैं। तो ये जो आदतें हैं अगर जीवन में भी हम अपने जीवन में कंटिन्यू रखेंगे, दैनिक जीवन में कंटिन्यू रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें क्या होगा, लाभ होगा। आईआईटी रुड़की ने ये कार्य किया है और इन्होंने क्या किया है, पोर्टेबल वेंटिलेटर को बहुत कम खर्चे में बनाया है। इसका सबसे बड़ा फायदा रेलवे को हो रहा है क्योंकि रेलवे अपने जो रेलवे के डिब्बे हैं उनमें वो जो इमरजेंसी व्यवस्था कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स का निर्माण कर रहे हैं, जो वार्ड्स का निर्माण कर रहे हैं, जो आइसोलेशन सेंटर्स का निर्माण कर रहे हैं, वहां पर इन पोर्टेबल वेंटिलेटर्स को बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और मॉडिफाइड भी किया जा सकता है। तो आईआईटी रुड़की ने किया है और आने वाले समय में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरीके से भारत देश कार्य कर रहा है, आने वाले समय में हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए या स्वास्थ्य सामग्रियों के लिए, चाहे वो पीपीई किट हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे बल्कि हम स्वयं विकास कर लेंगे इन चीजों का और इसी क्रम में हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। आइए 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक, ये एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ है जिसको आपको याद रखना है। G20 देशों की वर्चुअल बैठक कहां आयोजित की गई, ये एक सेपरेट ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपसे पूछा जाए। हालांकि पहले पहला प्रश्न पढ़िए, हाल ही में किस देश में आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों ने खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल के उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया। हम जानते हैं कि देखिए, इसका तो सही उत्तर हो जाएगा बेटा सऊदी अरब, प्रमुख तेल उत्पादक देश। ये वर्चुअल बैठक कहां आयोजित की गई, सऊदी अरब में, ध्यान रखिएगा। G20 देशों की वर्चुअल बैठक कहां आयोजित की गई, सऊदी अरब में। अब इसका उत्तर सुनिए, है ना, अगर हम विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों को देखें, हैं, जैसे सऊदी अरब है, रूस है, अमेरिका, इन सभी ने खनिज तेल की घटती कीमतों में स्थिरता लाने के लिए वैश्विक तेल आपूर्ति में कटौती करने पर सहमति जाहिर की है, है ना, सहमति जाहिर की है। आइए 17वां प्रश्न है आपका, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया, है ना, वे किस बीमारी से पीड़ित थे, कोविड-19, लंग्स कैंसर, ल्यूकोमिया कैंसर, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, पहला वाला सही है।
बॉलीवुड के लिए हम सभी लोग जानते हैं यह जो है वर्ष अच्छा नहीं है। 2020 वैसे तो किसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बॉलीवुड ने अपने बहुत महत्वपूर्ण रत्नों को खोया है ना, जैसे इरफान खान हो गए आपके, है ना, इरफान खान के अलावा ऋषि कपूर जी हो गए, अभी आपने देखा एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, सुशांत राजपूत जी नहीं रहे, है ना। तो ये बहुत नुकसान का समय है बॉलीवुड के लिए। और इनको कौन सी बीमारी थी, अगर हम इरफान खान की बात करें तो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर था इनको, जिससे इनका निधन हो गया। 18वां प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है ना। जीवन शक्ति योजना, पहले तो समझ लीजिए किससे संबंधित है, जीवन शक्ति योजना शहरी महिलाओं से संबंधित है, है ना। अब शहरी महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, शहरी महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना प्रारंभ की है, और वो कोविड से संबंधित राहत सामग्री बनाएंगी, राहत सामग्री का निर्माण करेंगी, जो जरूरी राहत सामग्री है जिसमें मास्क प्रमुख है, जिसमें मास्क प्रमुख है। बाकायदा एमपी गवर्नमेंट द्वारा एक नंबर जारी किया गया है, उस नंबर पर आप मिस कॉल देकर इस योजना में शामिल हो सकती हैं, और इसके लिए आपको उचित मेहनताने का भी प्रावधान है, जो आपका उचित मेहनताना होगा है सरकार द्वारा वो भी दिया जाएगा। तो आप राष्ट्र निर्माण में तो योगदान देंगे ही देंगे, बल्कि आप सेल्फ डिपेंडेंट भी होंगे, और इस समय आपको रोजगार की कोई दिक्कत ना हो, जो कार्यकारी महिलाएं हैं, जो छोटे छोटे कार्य करती हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। कौन सी? जीवन शक्ति योजना, जीवन शक्ति योजना। आइए 19वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया। एक बात समझ लीजिएगा, अफ्रीकी स्वाइन फीवर को हम कहते हैं ASF, वो यह बीमारी प्रमुख रूप से जंगली सुअरों में पाई जाती है, जंगली सुअरों में पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसका सही उत्तर होगा असम, इसका सही उत्तर होगा असम, है ना, असम इसका सही उत्तर है। आइए 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ। यह एक भौगोलिक संकेतन है जो विशेष गुणों के आधार पर प्रदान किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा केसर। हम सभी लोग जानते हैं कश्मीरी जो केसर है वो वैश्विक रूप से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, याद है ना, कश्मीरी केसर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पुलवामा, किश्तवाड़, वड़गाम और श्रीनगर, फिर चार जगह होता है, पुलवामा, किश्तवाड़, वड़गाम और श्रीनगर के क्षेत्रों में उगाया जाता है, और 1600 मीटर की ऊंचाई पर यह उगाया जाता है। भौगोलिक संकेतक की अगर हम बात करें, जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, इन उत्पादों की विशेषता और पहचान भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है, साथ ही GI टैग उत्पाद की गुणवत्ता और इसकी अलग पहचान ही इसका प्रमुख सबूत है। तो केसर इसका सही है, 1600 मीटर की ऊंचाई पर है, पुलवामा, किश्तवाड़, बड़गाम और श्रीनगर के क्षेत्रों में ये उगाया जाता है। GI टैग की अगर हम बात करें तो GI टैग से संबंधित एक ना एक प्रश्न निश्चित रूप से प्रत्येक परीक्षा में शामिल होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा, एक केसर। 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने के लिए, देखिए इस समय प्रवासियों के लिए प्रबंधन करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लाखों की संख्या में प्रवासी इस महामारी में वापस लौटे हैं, और प्रत्येक राज्य पर यह दबाव है कि लौटे हुए प्रवासियों को वो देखें, उनके रोजगार की व्यवस्था करें, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करें, उनकी दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं की व्यवस्था करें और उनकी देखभाल करें। इसी से संबंधित प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक नया ऐप लॉन्च किया है। यह भी ऐप और पोर्टल की एक कोविड के समय में एक नई वो है, प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप, इसका सही उत्तर होगा वो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। इस ऐप के 3 प्रमुख वो बिंदु है, विभिन्न योजनाओं का लाभ सभी प्रवासियों को मिले, दूसरा सभी प्रवासी जो आए हों उनकी स्वास्थ्य की देखरेख की जा सके और स्वास्थ्य के मामले में अपडेट रहा जा सके जिससे आगामी खतरे से निपटा जा सके, और तीसरा उनके रोजगार की उचित व्यवस्था की जा सके, है ना। तो समस्त योजनाओं का लाभ, स्वास्थ्य का ध्यान और रोजगार की व्यवस्था, इस ऐप के माध्यम से घर बैठे प्रदेश सरकार आपको यह सुविधा दे रही है। सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, किस, प्रवासी राहत मित्र ऐप, है ना। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग,
देखिए ये भी जीआई टैग से संबंधित है। तो देखो दो प्रश्न है, सोहराई खोबर पेंटिंग कहां से संबंधित है? झारखंड से। पहले तो ये क्लियर करिएगा। और किस राज्य के तौलिया रूमाल को, तौलिया रूमाल तेलंगाना, तौलिया रूमाल कहां का है? तेलंगाना। किस राज्य के तौलिया रूमाल को हाँ भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। अब दोनों के बारे में दो दो शब्द सुन लीजिए। अगर हम सोहराई खोबर पेंटिंग की बात करें तो सोहराई खोबर पेंटिंग पहले तो ये समझ लीजिए कि है क्या, है ना। झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसल के मौसम में शादी एवं समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक अनुष्ठानिक भित्ति कला है, है ना। तो ये हजारीबाग झारखंड से संबंधित एक पारंपरिक भित्ति कला है, क्लियर। तौलिया रूमाल को सूती कपड़े में जटिल हस्तनिर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसे तीन विशेष रंग काले लाल और सफेद में विभिन्न प्रकार से डिजाइन किया जाता है। यह तेलंगाना से संबंधित है। सूती कपड़े में तीन रंगों से बनाया गया जो कमाल है वो तौलिया रूमाल है। इन दोनों लोगों को क्या मिला है? भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है। 23वां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने COVID-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया, है ना। कोवास 6800, सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। और इस मशीन के साथ ही परीक्षण क्षमता 1,00,000 प्रतिदिन हो गई है, 1,00,000 प्रतिदिन हो गई है ना, 1,00,000 प्रतिदिन हो गई है। कोवास 6800 इसका बिल्कुल क्या होगा? सही उत्तर होगा। पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने COVID-19 मरीजों के लिए जांच के लिए खरीदा है। इसे राष्ट्रीय योग नियंत्रण केंद्र NCDC में स्थापित किया गया है। कोबा 67 रोबोटिक्स की क्षमता वाली एक परिष्कृत मशीन है, है ना, जो स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमित होने की आशंका को कम करती है, मरीजों के सीधे सैंपल ले लेती है। सरकार ने अब प्रतिदिन 1,00,000 परीक्षण की क्षमता को विकसित किया है। आइए आगे चलते हैं। 24वां प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? आरोग्य सेतु ऐप हम सभी लोग जानते हैं और हम सभी लोगों के मोबाइल में ऐप है। भारत सरकार द्वारा सबसे ज्यादा फोकस इसी ऐप पर किया गया है। आइए 25वां, हाँ, इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? यह पिछले 5-7 दिन पहले सभी पेपरों का एक प्रमुख बिंदु रहा। निर्माण किया जा रहा है जिससे नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र तथा इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया। नील नदी सबसे बड़ी नदी है, नील नदी हम सभी लोग जानते हैं और बहुत सारे देशों के बीच ये विवाद का विषय रही है। अगर हम लोग बात करें, है ना, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी जो नील नदी के जल बंटवारे को लेकर अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों के मध्य एक दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा है। हम सभी लोग इसके बारे में पढ़ते रहते हैं ना। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा बताइए? नील नदी। आइए 26वां, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी, है ना। ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी अमेरिका के राष्ट्रपति ने। पहले समझिए कि ओपन स्काई संधि है क्या, है ना। निगरानी के लिए, सैन्य निगरानी के लिए, है ना, सैन्य निगरानी के लिए उड़ानों की इजाजत दी जाती है, हवाई उड़ानों की इजाजत दी जाती है और इससे आप दूसरे देश की सीमा में जाकर, दूसरे देश की सीमा में जाकर सैन्य निगरानी कर सकते हैं, क्लियर। इसके लिए आप जिस देश की सीमा में जा रहे हैं उस देश को आपको सूचित करना होगा। तो पहले समझ लीजिए कि ओपन स्काई संधि है क्या। सैन्य निगरानी के लिए जो उड़ानों की इजाजत दी जाती है और एक देश दूसरे देश में जाकर, एक देश अपनी सीमाओं से बाहर जाकर दूसरे देश में सैन्य निगरानी कर सकता है, परख सकता है, जा सकता है, इसको हम कहते हैं ओपन स्काई संधि और इसके नियम बिल्कुल निश्चित है। पिछले दिनों द्वारा रूस द्वारा बार बार इस संधि का क्या किया गया, इस संधि को क्या किया गया, मानने से इनकार किया गया और बार बार इसके नियमों को तोड़ा गया, जिससे तंग आकर अमेरिका ने इस संधि को कैंसिल करने और इस संधि से अलग होने की चेतावनी दी है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा बताइए? हाँ, अमेरिका होगा, ठीक है। हाँ, खुले रूस द्वारा खुले तौर पर इस संधि का उल्लंघन किया गया है। सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए निगरानी उड़ानों की अनुमति लेनी होती है और हम मैंने ये भी बताया कि अगर आप किसी देश में जा रहे हैं, किसी की सीमा में जा रहे हैं तो पहले उस देश को सूचित करना जरूरी है। आइए
27वां प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्नलिखित में से क्या थी। विश्व पर्यावरण दिवस हम सभी लोग जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है, जैव विविधता इसकी प्रमुख थीम थी, है ना। जैव विविधता, संरक्षण और संवर्धन, जागरूकता, संरक्षण, संवर्धन और जागरूकता। आइए 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बॉलीवुड के किस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी की। सुशांत सिंह राजपूत। बहुत ही एक खराब घटना घटित हुई, एक प्रतिभाशाली कलाकार चला गया। ए उत्तर इसका सही होगा। 29वां, जून 2020 को किसने देश के पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया। यह देश की अब तक की सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है। यह देश की सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है, अब तक की देश की सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी, पहले तो ये याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, इसका उद्घाटन किया, हाँ, मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया। यह राज्य मंत्री है, जहाजरानी राज्य मंत्री है, है ना। इन्होंने इसका उद्घाटन किया और मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये सबसे बड़ी क्या है, बताइए सबसे बड़ी ये क्या है, बताइए, वर्चुअल प्रदर्शनी है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न, जून 2020 को पूरी तरह डिजिटल होने वाला विनिर्माण क्षेत्र संगठन कौन बना, है ना। विनिर्माण क्षेत्र संगठन कौन बना, तो इसका सही उत्तर हम लोगों का क्या होगा, बताइए, इसका सही उत्तर हम लोगों का होगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सी, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विश्व का, हा, पूरी तरह डिजिटल होने वाला विनिर्माण क्षेत्र संगठन बन गया, एक उपलब्धि है। 29वें प्रश्न में एक आपको जरूरी चीज और बताना चाहूंगा, एक बार इस विश्व की सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो फिक्की द्वारा किया जा रहा है, फिक्की द्वारा किया जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया है, फिक्की के द्वारा किया जा रहा है ना। चलिए 30वें प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं, तो आज प्रश्नों की संख्या कितनी थी बताइए, 30 थी, ध्यान दीजिएगा, और 30 प्रश्नों को आज हम लोगों ने हल किया। यह व्याख्यात्मक श्रृंखला रट लो इस तरफ इसलिए भी कम आई है थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप देखते हैं कि करंट में बहुत ज्यादा ऐसी प्रगति नहीं हुई, और जबरदस्ती की चीजें पढ़ाना या जबरदस्ती बताना यह भी कुछ अच्छा नहीं होता। रीजनिंग की हम लोग श्रृंखला को लगातार कंटिन्यू कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल रीजनिंग की श्रृंखला उसी के आगे कंटिन्यू होगी, और कल मैं रात में 9 बजे फिर से पुनः आपका लाइव लूंगा, जहां मैंने क्लॉक के आपको 3 एपिसोड कराए थे। सभी परीक्षाओं के लिए मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, और वहां पर भी मैंने आपको रीजनिंग लगातार कंटिन्यू किया है। उन तीनों ही एपिसोड को जिन्होंने नहीं देखा है आप देखिए, कल मैं आपको बताऊंगा कि थिंक विदाउट इंक तकनीक आपकी क्या होती है, थिंक विदाउट इंक, बिना स्याही के सोचना क्या होता है, और प्रत्येक प्रश्न को मैं आप लोगों को 2 से 3 सेकंड में हल कराऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में प्रश्न हल नहीं करने होते हैं। जो पिछले 3 दिनों में मैंने आपको पढ़ाया है उसका मैं एप्लीकेशन क्वेश्चन आंसर कल आपको हल कराऊंगा, और ये कक्षाएं अब बंद नहीं होंगी, तो कल भी आप रात में 9 बजे रहिएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत दिनों से नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि एक बार पिछले 1.5-2 महीने का जो महत्वपूर्ण करंट है जो आपके लिए जरूरी है, वैसे तो देखिए अगर दैनिक जीवन प्रतिदिन प्रतिदिन चल रहा है तो करंट दिन प्रतिदिन होता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज यह है कि आपके पास वही महत्वपूर्ण सामग्री पहुंचे जो आपके लिए बहुत जरूरी है ना, तो वो महत्वपूर्ण सामग्री के साथ मैं आज आपके सामने उपस्थित था। तो इसको आप देखिएगा, कल रीजनिंग के साथ हम लोग यहां पर निश्चित रूप से मिलेंगे, और बीओ के 45 दिन के क्रैश कोर्स में एडमिशन आपका लगातार चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने बीओ एंट्री लिख के भेजा है। बीओ की परीक्षा 16 अगस्त को आयोजित होनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी विवरण चल रहा है, आप इन नंबरों पर फोन करके भी प्रवेश ले सकते हैं। सारी प्रक्रिया नीचे चल रही है। आज मेरी तरफ से इतना ही, अपना ख्याल रखें। एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर लिखिए। जल्द ही अगले रटलों के साथ आपसे मुलाकात होगी, और कल रात में 9 बजे रीजनिंग के लिए आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।